बात करें एडेप्टेशन ऑफ लीव्स इन जिम्नोस्पर्म की, तो हम यहाँ ये सारी चीजें एक साथ डिस्कस कर सकते हैं कि दे आर वेल एडेप्टेड फॉर द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। अगर आप साइकल्स या जिम्नोस्पर्म के किसी भी ग्रुप ऑफ प्लांट्स को अगर आप देखेंगे तो उनके जो लीव्स होती हैं वो बिल्कुल निडल लाइक होंगी, लंबे लीव्स होंगी विद अ पैरेलल वेनेशन और हाई ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड को, ताकि वो इजिली एडाप्ट कर सके, उससे उसका कोई नुकसान न हो। लीव्स का जो कैरेक्टर होगा वो ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। यहाँ पे ये चीज बिल्कुल बहुत आसान है समझना और याद रखना कि अगर ये ब्रांच है तो इसका मतलब वो पाइनस ग्रुप का है, निडल शेप स्ट्रक्चर है। अगर अनब्रांच है तो वो साइकस ग्रुप का है। तो ये बहुत आसान है याद रखना, पाइनस ब्रांच लीव्स होंगी और साइकस में अनब्रांच लीव होंगी विद पिनेटली बिहेवियर या पिनेटली कैरेक्टर्स। अगर आपको ध्यान में हो तो पिनेटली कंपाउंड का मतलब हो गया कि वो जो कंपाउंड है और सिंपल है उसमें कई तरह के स्ट्रक्चर्स अगर देखने को मिलते हैं, तो आप अगर याद रखना चाहें तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। दे आर कॉल्ड पिनेटली और पामिटेटली, अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन में है। फिर हम बात कर सकते हैं संकर स्टोमेटा की। देह संकर स्टोमेटा, स्टोमेटा जो है वो बिल्कुल अंदर की तरफ होगा ताकि वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। एंड देव एज वेल थिक क्यूटिकल, एक थिक लेयर होती है क्यूटिकल की, ताकि इट प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन के नाम से भी जानते हैं, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो मतलब लॉस ऑफ वाटर कैन बी प्रिवेंटेड बाय द संकन स्टोमेटा एज वेल एज थिक क्यूटिकल। प्लांट्स में भी मीडियम साइज है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है इस ग्रुप के प्लांट में, छोटे भी हो सकते हैं। टॉलेस्ट प्लांट भी इस ग्रुप के हैं, जो आप सिकोइया की बात करते हैं। दोबारा ये मिस्टेक है यहाँ पे, सिकोइया SEQUIA सिकोइया, ठीक है। एंड दे कैन बी श्रब्स एज वेल। जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, लेकिन जाइलम में वेसल्स नहीं होंगी और फ्लोएम में सीव ट्यूब नहीं होंगी। ये कई बार नीट के एग्जाम में, मेडिकल के प्रिपरेशन में आ चुका है, तो याद रखना है। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, जाइलम लैक वेसल्स एंड फ्लोएम लैक सीव ट्यूब। थोड़ा सा और अगर हम पीछे जाएं टिश्यू वाले पार्ट में, तो देयर आर फोर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर है ना, सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल्स। आप जाइलम की बात करिए तो जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो दो चीजें मिसिंग है, जाइलम में वेसल्स नहीं है और फ्लोएम में जो है वो सीव ट्यूब एब्सेंट है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अगर आप हिस्टोलॉजी की बात करें, एनाटॉमी की बात करें, जब आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे स्टेम की, तो देयर इट विल लैक एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई बाय द एब्सेंस ऑफ द वेसल्स एंड सीव ट्यूब कि हाँ, ये जो आपको स्लाइड्स दी गई है परमानेंट स्लाइड, वो किसी जिम्नोस्पर्म प्लांट का है, एंजियोस्पर्म प्लांट का नहीं है। वही अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें तो नॉर्मल जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म होता है, जबकि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें एंडोस्पर्म का जो नेचर होता है वो हैप्लॉयड होता है। इट हैज अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें ये आपको चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। तो ये था हमारा जिम्नोस्पर्म के बारे में वो सारी चीजें, जो फिर से मैंने दोबारा एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में इस वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी है। ये 6th, 7th, 8th and 9th एज वेल एज 11th के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आईसीएसई बोर्ड में आप ये क्लास 6th, 7th, 8th में भी इजिली डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपकी बुक में मिलेगा। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होप यू विल सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक इट, इट इज वर्थफुल फॉर यू। थैंक यू। देखिए, इस पार्ट में मैंने जिम्नोस्पर्म को एक फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट किया है, जो क्लास 6th, 7th and 8th ICSE बोर्ड की बुक में है। ये उन स्टूडेंट्स के काम का है, एज वेल एज क्लास 9th और 11th में CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए काम का है, ठीक है। तो आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म में हमें यहां लिख दिया है, जिम्नो का मतलब नेकेड, स्पर्म इज रिप्रेजेंटिंग द सीड और द गैमेट, इट मीन द प्लांट दैट हैव अ नेकेड सीड। बच्चे यहां पे सवाल करते हैं आप लोग कि सर नेकेड सीड कैसे हो सकता है, मतलब किसी भी प्लांट में अगर हम नेकेड सीड की बात करें तो हम नेकेड सीड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप ये यहां कह सकते हैं कि दैट सीड डज नॉट कंटेन्स इनसाइड द ओवरी और इनसाइड द फ्रूट। मतलब यूजुअली जो हम कोई भी फ्रूट्स खाते हैं तो उसकी जो गुठली है या उसका जो सीड है वो फ्रूट के अंदर होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म ऐसा प्लांट है जिसमें सीड्स जो होंगी वो ओपन होंगी, ओवरी वॉल के अंदर नहीं होती हैं, फ्रूट के अंदर नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और ये कारण है इसका, ड्यू टू द एक्सपोज ओवरी
वॉल, ओवरी का जो वॉल होता है वो एक्सपोज होता है, इस कारण से ओवरी के अंदर सीड नहीं हो पाता है, वो सीड बाहर आ जाता है और इस कारण से हम इसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, और टैप रूट सिस्टम के बारे में मैं बता दूं आपको, दीज आर दोज रूट सिस्टम विच डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। ये थिक रूट्स होती हैं, इसमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली रेडिकल के थ्रू होता है, इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट। प्लस एंटी का मतलब हो जाता है प्रेजेंट, ये शॉर्ट में मैंने अपनी वीडियो में कई जगह लिखी है, तो मैं आपको फिर आसानी के लिए आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्लस एंटी प्रेजेंट के लिए है, माइनस एंटी एब्सेंट के लिए। उसके बाद जिम्नोस्पर्म में माइकोराइजल एसोसिएशन के फॉर्म में भी आपको ये प्लांट्स कुछ मिलेंगे जो पाइनस के साथ एसोसिएट होते हैं, जबकि अगर आप साइकस के एसोसिएशन की बात करेंगे जो उसके कोरोइडल जो कोरोलॉयड रूट है उस सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं, और दे फॉर्म यू नो दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन विद द साइकस, एंड दैट ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया जो इसके साथ इसके रूट्स में होते हैं, उसके नोड्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ताकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये जिम्नोस्पर्म के कुछ शॉर्ट मैंने मेंशन कर दिया है आपके आसानी के लिए। ठीक है।